स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस, ओ बी द ओरिजिन। लेट पी बी ए पॉइंट व्हिच कोऑर्डिनेट्स एक्स कमा वाई इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ज्वाइन ओपी, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन एक्स एक्सिस पी एम। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स कॉमा वाई, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ओएम बी एक्स एंड लेंथ ऑफ पीएम वाई, राइट। लेट ओपी इक्वल टू आर एंड एंगल पीओएम इक्वल टू थीटा। ओके, ट्रायंगल ओपीएम इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस एक्स अपॉन आर इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इंप्लाइज दैट वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। Therefore, z equal to x plus i y, the putting the value r cos theta plus I sin theta, r z equal to r common in bracket cos theta plus I sin theta. This form of complex number is said to be polar form of complex number. It is polar form of complex number. Okay, ये complex number का कौन सा form है? Polar form. Where students r equal to, where r equal to root x square plus y square. ठीक है, कैसे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया? इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, विच इज ए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट्स, डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाई वन, वी गेट वाई अपॉन एक्स इक्वल टू आर एंड आर कैंसिल, साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ओके, तो इट इज ए पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। विद द हेल्प ऑफ बोथ फार्मूला वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा। थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज ए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एंगल, यानी थीटा माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन आर इक्वल टू पाई, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा है, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर,
वो हमेशा क्या होगा माइनस पाई से ग्रेटर और किसके इक्वल पाई तक, ठीक है, ये इसका रेंज होगा थीटा का, ठीक है। तो जब भी हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो आर तो इस फार्मूले से फाइंड आउट करोगे बट थीटा इस फार्मूले से फाइंड करोगे, लेकिन वैल्यू हमेशा थीटा का आपको इसी इसी के बीच में रखना होगा, माइनस पाई से लेस नहीं रख सकते हो और पाई से ग्रेटर नहीं रख सकते हो। ओके, नाउ वी टेक एग्जांपल्स। क्वेश्चन वन, कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म एंड रिप्रेजेंट्स देम इन आर्गन प्लेन। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट भी करना है। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन, फर्स्ट पार्ट, लेट जेड इक्वल टू रूट थ्री प्लस आई। ओके, वी नो दैट स्टूडेंट्स पोलर फॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, वेयर आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ओके, कंपेयरिंग गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर टू स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स प्लस आई वाई, वी गेट एक्स इक्वल टू रूट थ्री एंड वाई इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ आई वन। ठीक है, इसे एक्स प्लस आई वाई से कंपेयर किए। ठीक है, अब नाउ आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट थ्री, एक्स इक्वल टू रूट थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट थ्री स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू थ्री प्लस वन इक्वल टू फोर स्क्वायर रूट ऑफ फोर टू। ओके, एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, वाई इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू रूट थ्री, दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री टेन पाई बाई सिक्स। ठीक है, टेन पाई बाई सिक्स इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री, देयर फोर थीटा इक्वल टू पाई बाई सिक्स। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू आर टू इन ब्रैकेट कॉस पाई बाई सिक्स प्लस आई साइन पाई बाई सिक्स। अब ये देखो आपका ये पाई बाई सिक्स है, माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन पाई, इसके रेंज में आ रहा है आपका। ठीक है, माइनस पाई और पाई के क्या है ये बीच पे है। ठीक है, अब आर्गन प्लेन पे हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये रियल एक्सिस है, वाई इमेजिनरी एक्सिस, ओके, रूट थ्री प्लस आई, एंगल कितना बना रहा है पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स थर्टी डिग्री। ओके, पाई बाई सिक्स जेड। ठीक है, ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है आर्गन प्लेन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, और इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा पाई बाई सिक्स। ओके, सेकेंड पार्ट, गिवेन जेड इक्वल टू माइनस रूट थ्री प्लस आई। ओके, कंपेयरिंग एक्स प्लस आई वाई फॉर्म्स, वी गेट एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री एंड वाई इक्वल टू वन, देयर फोर आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ माइनस रूट थ्री इक्वल टू थ्री एंड स्क्वायर ऑफ वन वन, दैट इज इक्वल टू टू। ओके, एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। स्टूडेंट्स अब आप देखे होंगे इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था दोनों पॉजिटिव था, यहां प्रॉब्लम नहीं हुआ है, यहां एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है,
तो ये आपका एंगल जो प्रिंसिपल वैल्यू आप निकालते हो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। उस प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वो थीटा होगा। सेकेंड में आपका पाई माइनस थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि ये पाई होता है, यहां जीरो आर टू पाई, तो पाई माइनस थीटा होगा। और थर्ड में हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो माइनस पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, यानी इसी का हम क्या कर देते हैं, निगेटिव। फोर्थ में इसका निगेटिव कर देते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। इस ट्रिक को हम अप्लाई अगर करेंगे तो कभी भी जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एंगल निकालने में मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है थीटा की वो ऑलवेज बिलोंग्स माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन आर इक्वल टू पाई, इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप इस ट्रिक से एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड करते हो तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। उसके लिए स्टूडेंट्स क्या करना होगा, जब भी आप थीटा फाइंड करो तो सिंपली थीटा फाइंड करो विदाउट साइन, मतलब जो भी यहां साइन गिवन होगा उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे टेन इनवर्स वाई इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू, देखो माइनस रूट थ्री है लेकिन हम सिर्फ रूट थ्री लिखेंगे, तो टेन इनवर्स, ये टेन कितने डिग्री वैल्यू होती, थर्टी, तो पाई बाय सिक्स, दैट इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स। अब आप ये देखो, ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस रूट थ्री प्लस आई, यानी ये जो रियल वैल्यू है आपका ये निगेटिव एक्सिस से है, तो आप देखिए रियल वैल्यू इधर आएगा और ये पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी माइनस रूट थ्री प्लस आई सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका बिलोंग कर रहा है, यहां सपोज करो, ठीक है, जेड इक्वल टू ये ओरिजिन है। तो अब इसमें हमने क्या ट्रिक बताया, पाई माइनस थीटा, तो यानी जो हमारा आर्ग्यूमेंट फाइनली एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड थीटा इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय सिक्स, दैट इज इक्वल टू फाइव पाई बाय सिक्स। अब ये फाइव पाई बाय सिक्स इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है, तो अब पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वैल्यू ऑफ आर टू इन ब्रैकेट कॉस फाइव पाई बाय सिक्स प्लस आई साइन फाइव पाई बाय सिक्स, और आर्गन प्लेन में आपको शो करना है, तो ये एक्सिस बनाया ऐसे, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक का ये आपका कितना हो जाएगा, फाइव पाई बाय सिक्स, आर्गन प्लेन में शो भी हो गया। ओके, तो ये ट्रिक आपको हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकेंड में पाई माइनस थीटा, फिर आप उसी का अपोजिट कर दोगे नीचे, पाई माइनस थीटा का साइन चेंज कर दोगे, माइनस इन ब्रैकेट पाई माइनस थीटा, यहां थीटा, यहां का क्या कर दोगे, माइनस थीटा, ठीक है। और क्वेश्चन इसके हेल्प से हम लोग प्रूफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, लेट जेड इक्वल टू माइनस वन माइनस आई रूट थ्री। ओके, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स बिलोंग्स थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, एक्स इक्वल टू माइनस वन, वाई इक्वल टू माइनस रूट थ्री, आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर वन वाई स्क्वायर थ्री, दैट इज इक्वल टू टू। ओके, एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स। देखो जब भी इस ट्रिक का यूज करोगे हमें इसके साइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो वाई इक्वल टू रूट थ्री, ओनली वी विल टेक न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, नो साइन, रूट थ्री अपॉन वन, दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट थ्री, आर टेन इनवर्स टेन सिक्सटी डिग्री इक्वल टू रूट थ्री, दैट इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, टेन टेन पाई बाई थ्री, टेन एंड टेन इनवर्स कैंसिल, पाई बाई थ्री, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड
थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट माइनस पाई माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री टू पाई बाई थ्री माइनस टू पाई बाई थ्री। तो देयरफॉर पोलर फॉर ऑफ जेड इक्वल टू आर, आर मीन्स टू इन ब्रैकेट कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू माइनस टू पाई बाई थ्री प्लस आई साइन माइनस टू पाई बाई थ्री आंसर। अब आर्गन प्लेन में शो करना हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, जेड बिलोंग्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, यहां हो गया माइनस वन माइनस आई रूट थ्री, ठीक। एंगल आपका देखो ये माइनस टू पाई बाय थ्री, ओके इस तरह से आर्गन प्लेन में, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इधर से आएगा पॉजिटिव है, यानी इधर जितने कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ेंगे उसको हम क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इन दोनों में पड़ेंगे उसको हम क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। फोर्थ क्वेश्चन, लेट जेड इक्वल टू टू माइनस टू आई विच बिलोंग्स टू पॉजिटिव निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। देखो पॉजिटिव एंड निगेटिव, एक्स इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल टू माइनस टू, देयर फोर आर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एक्स फोर स्क्वायर ऑफ वाई फोर रूट एट टू रूट टू एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और टेन इनवर्स देखो आपको साइन से मतलब नहीं है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू रखोगे, टू अपॉन टू वन, टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर इक्वल टू वन आर पाई बाई फोर। एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा इक्वल टू, आप देखो ये टू माइनस टू रूट आई बिलोंग्स फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आर्ग्यूमेंट इसमें क्या लिखेंगे हम माइनस थीटा, तो देयरफॉर माइनस पाई बाय फोर। तो पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू आर टू रूट टू इन ब्रैकेट कॉस माइनस पाई बाय फोर प्लस आई साइन माइनस पाई बाय फोर, ठीक है। देखो इस ट्रिक को यूज करने से आपको एंगल क्या करना होगा, ऐसे केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबको लर्न होता है, बाकी ट्रिक यूज करके आप अपना साइन लगा देंगे वो आपको इस कंडीशन को बिलोंग करेगा, ठीक है, थीटा लेस देन आर इक्वल टू पाई इस कंडीशन को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब इसे आर्गन प्लेन में अगर शो करना होता तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, तो जेड इक्वल टू माइनस वन माइनस आई रूट थ्री, ठीक है, और ये आपका माइनस पाई बाई फोर, ओके। लास्ट फिफ्थ, लेट जेड इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस थ्री कैन बी रिटेन एज माइनस थ्री प्लस जीरो इंटू आई, देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस थ्री एंड वाई इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एक्स नाइन एंड जीरो इक्वल टू थ्री एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई जीरो अपॉन माइनस थ्री, दैट इज साइन नहीं लेंगे टेन इनवर्स जीरो, टेन इनवर्स टेन कितने की वैल्यू जीरो होती है, टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, टेन जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो, ओके। अब आप देखिए जो आर्ग्यूमेंट आप लिखोगे प्रिंसिपल वैल्यू आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, ये आपका किस में बिलोंग कर रहा है माइनस प्लस, ठीक है, तो माइनस प्लस देखो माइनस एंड प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम पाई माइनस थीटा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा यहां पाई माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू पाई, ओके। अब पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू आर इक्वल टू थ्री इन ब्रैकेट कॉस
पाई प्लस आई साइन पाई। ओके, आप देखो ना कास पाई वैल्यू माइनस वन होती है, इंटू करोगे माइनस थ्री, साइन पाई जीरो, माइनस थ्री आ गया। ठीक है, वैल्यू भी तो इक्वल आनी चाहिए। अब आर्गेंट प्लेन में अगर शो करना है तो आप देखो ये किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, सेकेंड, तो सेकेंड में ले आओ। ठीक है, और कितना एंगल है पाई, तो पाई यहां इसके आएगा, तो यानी ये हो गया जेड इक्वल टू माइनस थ्री, और एंगल आप कहां से रिप्रेजेंट करोगे, यहां से ऐसे। ठीक है, एंगल कितनी है पाई। ओके, तो इस तरह से हम गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये ट्रिक आप याद किए रहेंगे, पहले में थीटा पाई माइनस थीटा, फिर इसी काम क्या कर देंगे अपोजिट। हमें सिंपली गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर से एक्स वाई कंपेयर कर लेना होता है, आर फाइंड करोगे या थीटा निकालने के लिए आप साइन नहीं लेंगे, इसमें ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे। ठीक है, और उसके से एंगल आप निकाल लेंगे, फर्स्ट मिनिमम एंगल जो होता है उसको निकालने के बाद अब आप देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, उसमें क्या आपको बताया गया है। अगर सेकेंड में बिलोंग करता है तो इसको जो आएगा ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। सपोज करो कि ये थर्ड में बिलोंग करता तो पाई माइनस थीटा करके साइन चेंज कर देते, राइट।